वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी जेके बोपी में जाने वाले हैं या जिन्होंने एंट्रेंस ऑलरेडी दिया है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, लगभग 20-22 हज़ार स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस दिया 2022 सेशन का, और उसकी मेरिट लिस्ट वगैरह अभी आने वाली है, यानी कि ईद तक या ईद के बाद आ जाएगी, 15 जुलाई तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है रिगार्डिंग काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उस पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। कल से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें प्राइवेट कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने अगर जेके बोपी के थ्रू एडमिशन करवाना है तो पहले यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, देन उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी उस पर आपका नाम मेंशनड होगा, तो नाम हम वहाँ पे लिखवा लेंगे, देन जब आपका वहाँ पे नाम आएगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से हो रहे हैं, ये एक स्कैम है, इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए पहले अगर आपने जेके पोपी का एंट्रेंस दिया है तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ। पहले आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपके मार्क्स वगैरह होंगे, देन उसके बाद आपको काउंसलिंग होगी। जो प्राइवेट कॉलेज वाले आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे आ जाओ आप, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, देन रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको 10 से 15 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको जो एडमिशन होगा, जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम और कॉलेज आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन करना होगा, एडमिशन बिल्कुल भी फ्री होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स का कहना है जो उन्होंने जो उनको प्राइवेट कॉलेज या कोई काउंसलिंग वाले ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा बोला। तो देखिए ये बिल्कुल स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जेके बोपी में। कहीं पे भी आपको रिजल्ट आने से पहले कहीं भी पे भी आपको 10 हज़ार 15 हज़ार पे नहीं करना होता है। तो देखिए ये कौन लोग होते हैं, इनको प्राइवेट कॉलेज जो आउटसाइड जम्मू कश्मीर हैं, इनको प्राइवेट या कोई स्टूडेंट अगर जम्मू कश्मीर के बाहर किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है तो उनको कहा जाता है कि आप जम्मू कश्मीर से और स्टूडेंट्स को लाओ यहाँ पे एडमिशन करने, तो आपको पर स्टूडेंट 10 to 20,000 यहाँ पे कमीशन अपना मिलेगा। तो ये उसी के थ्रू वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि हम आपको, जैसे PM SSS में भी ऐसा स्कैम चल रहा है बहुत ज़्यादा, उनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, PMSS के थ्रू हम आपका एडमिशन करवा लेंगे, आपको बिल्कुल सब कुछ फ्री हो जाएगा, थोड़ी सी फी आपको पहले पे करना पड़ेगा उसके बाद फ्री हो जाएगा। जब प्राइवेट कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं पहले वो 10 हज़ार रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं, देन उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वहां पे बंद कर लेते हैं, जब तक डिग्री खत्म होगी आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। तो जो ही उनके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आते हैं उनको बोल रहे हैं कि आपकी 70,000 फी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की पेंडिंग है, वो जब तक ना आप पे करोगे तब तक आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहां पे नहीं मिलने वाले। तो सेम यहां पे स्कैम अभी कश्मीर में जेके बोपी को लेकर भी चल रहा है। तो सारे स्टूडेंट्स को मैं अवेयर करना चाहता हूं, ऐसे मैसेजेस आए, ऐसे कॉल्स आए, ऐसे नोटिस कहीं पर देखो बिल्कुल भी उसको इग्नोर कर लो, कुछ भी नहीं है। ये प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, इनको अपना कमीशन मिल रहा है, मैं ओपनली उनको बोल रहा हूं, उनको अपना कमीशन मिल रहा है 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार उनको पर स्टूडेंट मिल रहा है, तब जाके वो प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाते हैं। इस स्कैम में बिल्कुल भी मत आना, ये बिल्कुल भी फेक है। कोई कहीं जेके बोपी की प्राइवेट काउंसलिंग कहीं पे भी नहीं होती है, कहीं पे भी जेके बोपी की सीट जो है आपको पैसे देके नहीं मिलने वाली, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जिस स्टूडेंट के जितने मार्क्स होंगे, जो मेरिट में आएगा, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, और पैसे देके आप किसी भी चमचागिरी करके कहीं पे भी आपको सिलेक्शन नहीं होने वाली है। क्योंकि जेके बोपी जो पिछले 3 सालों से एंट्रेंस ले रही है और पिछले 3 सालों से कहीं पे भी प्राइवेट काउंसलिंग नहीं हुई, तो काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है आपको, पहले आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, देन मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका कट ऑफ आ जाएगा। कट ऑफ यानी कि आपको काउंसलिंग की डेट दी जाएगी, उसमें नाम होगा किस किस स्टूडेंट को काउंसलिंग करने जाना है, जिस जिस स्टूडेंट का नाम होगा सिर्फ वही स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए जाएंगे। काउंसलिंग के लिए वो कहां जाएंगे, या तो उनको जेके बोपी ऑफिस श्रीनगर जाना पड़ेगा या जेके बोपी ऑफिस जम्मू जाना पड़ेगा, वहां पे उनको काउंसलिंग करा दी जाएगी। अच्छी तरह से उनको कॉलेज के बारे में समझा दिया जाएगा, कौन कौन सा कोर्स है, कौन कौन सा कॉलेज है, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, फिर आपको बोला जाएगा किस कॉलेज में सीट वैकेंट है, तो आप वहां जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। ओवरऑल जो काउंसलिंग होगी वो ऑफिशियली रहने वाली है, गवर्नमेंट के थ्रू रहने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, अभी तो स्टेट नहीं है, यूटी गवर्नमेंट है, या उसके थ्रू आपकी काउंसलिंग होने वाली। प्राइवेट आपको कहीं पे भी एक भी पैसा नहीं देना है काउंसलिंग के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जब आपकी गवर्नमेंट के थ्रू काउंसलिंग होगी बोपी की, उस टाइम आपको 1,000 रुपये फी पे करना पड़ता है जो सिलेक्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। तो स्टिल मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि ये जो कॉल्स आएंगे, आपको मैसेजेस आ जाएंगे, आपको नोटिस देखोगे कहीं पे भी, कहीं पे ग्रुप्स में आपको ऐड कर देंगे ऐसे दोस्त यार वगैरह, बिल्कुल भी इसको इग्नोर कर लेना, ये बिल्कुल भी फेक होता है। फिर आप फंस जाओगे, फिर आपको डबल ट्रबल फी पे करनी पड़ेगी, 10 हज़ार वो पहले आपको ले लेंगे। अभी स्टूडेंट एक मेरे साथ बात कर रही थी, वो बोल रही थी कि मुझे बोल रहे हैं कि आप 10 हज़ार ट्रांसफर कर लो, देन आपका एडमिशन हम करा देंगे, जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा फिर आपको फी पे कुछ नहीं करना होगा। तो देखिए वो 10 हज़ार तो आपसे ले जाएंगे, फिर वो रफू चक्कर हो जाएंगे, आपको कहीं पे मिलेंगे भी नहीं, नहीं आप उनसे मिले हैं पर्सनली, ना है आपने उनको देखा है ना उन्होंने आपको देखा है। तो इन चीज़ों से आप अवेयर रहिए, इन स्कैमर से आप अवेयर रहिए, ऐसे फोन कॉल्स टेक्स्ट मैसेजेस जो भी आ जाए इनको इग्नोर कर लो, या नोट्स कहीं पर देखो इनको बिल्कुल इग्नोर कर लो। ऑफिशियली आप वेट कर लो,
लो, जो भी अपडेट आता है ऑफिशियली जेके बोपी से हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम एक एक टॉपिक पे दो दो तीन तीन वीडियोस डालते हैं, हर दिन एक एक दो दो वीडियो जेके बोपी का आता है, तो आपको कोई भी कहीं पर दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो भी अपडेट आ जाएगा जेके बोपी का वो मैं आप तक सबसे पहले पहुँचाऊँगा, डिस्कस भी करूँगा। आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो टेलीग्राम मैंने बनाया है ग्रुप, इसीलिए मुझे वहाँ से कॉल कर लो, मैसेज कर लो, जो भी कर लेना है। पर्सनल नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा वहाँ से, जो भी पूछना होगा आप मुझे डायरेक्टली वहाँ से पूछिए। बिल्कुल भी ऐसे स्कैमर से बचिए, कहीं पे भी आपको प्राइवेट काउंसलिंग नहीं होगी, ना ही आपको सेकंड थिंग ये है कि पैसे देके आपको तो जेके बोपी में सीट कहीं पे नहीं मिलने वाली। हाँ, एक तो फाइनेंस का होता है वो अलग होता है, उसका भी मेरिट में जो होगा वो उसको फाइनेंस की सीट मिलेगी। इस तरह से कहीं नहीं होगा, आपके 10 मार्क्स होंगे, आपको बोलेगा कोई कि मुझे 30,000-40,000 दे दो, आपको मैं 100-120 मार्क्स दे दिला दूंगा वहाँ से। ऐसा भी स्टूडेंट्स का कहना है, कल से मैसेजेस हमें ऐसे भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये झूठ होता, कुछ भी कहीं पे भी जेके बोपी में चोरी नहीं चलती है, नहीं चलेगी आइंड आपके लिए। तो ये वीडियो था आपको अवेयर करने के लिए, जिसमें मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो पता होगा इन स्कैमर्स का, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा था मैं टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज डालूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे तो ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइंट नहीं है, कुछ 3,500-3,500 के आसपास स्टूडेंट है, इसलिए सोचा मैंने कि वीडियो अपलोड कर लूंगा ताकि आने वाले सालों में भी जो स्टूडेंट्स देखेंगे उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो, ताकि कोई भी ऐसे स्कैमर्स के फंदे में फंसे ना, आगे चल के उसको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी।